Hey guys, welcome to my channel. I am Sakshi Sharma and in my channel, you guys will expect skincare, hair care, fashion, behind the scenes and many more things. So please subscribe to it and also hit that bell icon so that when I upload a video, you guys will be notified. So today's video is about Sawan ka Mahina. जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन स्टार्ट हो गया है तो हिंदू जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग फिफ्थ मंथ होता है जो सावन का महीना होता है. मतलब हिंदू कैलेंडर ये नहीं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तो मई आता है ना, मई नहीं होता है. हिंदू का जो कैलेंडर होता है वो एक अलग कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंग जुलाई का जो महीना होता है ये सावन का महीना है. इसको श्रवण का महीना भी बोलते हैं और इस पूरे महीने को डेडिकेट किया जाता है शिव जी भगवान के लिए. जो ये महीना है ना, इस महीने में मंडे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. कहा जाता है कि अगर आप इस महीने में कुछ भी भगवान से मांगते हो, मतलब शिव जी भगवान से, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है. कहा जाता है कि सावन के महीने में जो लोग सोमवार के व्रत रखते हैं उनको शादी में कोई परेशानी नहीं आती और उनको अच्छा वर मिलता है. मस्त जोक मारा रे यार, हंस रे हल्का ढार. सावन के कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें से एक रिचुअल ये है कि लोग मेहंदी लगाते हैं, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो. मैं आपको वीडियो के एंड में मैं ये दिखाऊंगी इसका कैसे लगाई है और कैसे लगाई है. क्या होता है ना, मेहंदी कीप्स आवर बॉडी कूल्ड. अब आपकी बॉडी में मतलब गर्मी नहीं हो पाती मेहंदी से, मतलब कहा जाता है ऐसा. और जैसे कि जुलाई का जो महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब एक्सट्रीम बारिश ये जो अभी चल रहा है, तो उस बारिश में क्या होता है ना, बारिश में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने का खतरा होता है. तो अगर आप मेहंदी लगाते हो तो आपकी बॉडी मौसम में आपको अपना ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं. हम कोई सब्ज़ी ले रहे हैं उसमें कीड़े भी होते हैं, तो उसको अच्छे से धोएं. और कोई भी चीज़ आप लेते हो आप सोच समझ कर ही लें, क्योंकि बारिश बहुत गंदी होती है और इस मौसम में बीमार होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहा है. इसलिए इस मौसम में आप अपना ध्यान रखें. सेकेंड जो रिचुअल है वो इस महीने में शिव जी की बहुत पूजा होती है और लोग उन्हें शिवलिंग पे दूध भी चढ़ाते. तो चलिए गाइस, मैं आपको मेहंदी वाली क्लिप बता देती हूँ. और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और दूसरी बात, मैं अपना इंस्टाग्राम फ्लैश कर दूंगी स्क्रीन पे, प्लीज जाके मुझे फॉलो करो. मैं डेली बेसिस पे एक्टिव होती हूँ और आपको वहाँ पे फैशन हैक्स और बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएगी देखने के लिए. तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और चलिए अब वीडियो देखते हैं. So I saw some designs on Google and I found these two. और कुछ टाइम के स्क्रॉल के बाद मुझे ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने अपनी कज़न को कहा कि ये वाला ही लगा दे. तो अभी जो वीडियो में आप प्रोसेस देखने वाले हो, इस तरह से मुझे मेहंदी लगाई है, जो कि अगर आपको नहीं आती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, तो अगर आपको भी नहीं आती, आप भी मेरे जैसे हो, तो आप भी इस तरीके से मेहंदी लगा सकते हो. इससे बहुत सिंपली इस अच्छे डिज़ाइन को बहुत ऐसे तोड़ तोड़ के लगाया है, ताकि वीडियो में आपको भी समझ आ सके. और थोड़ा जो कीप था वो खाली ही हो गया था और ये थोड़ा सा आगे से मोटा सा कटा था, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा आ रहा था मेहंदी, आ रही थी मेहंदी. नहीं तो आप इसको छोटू सा कट करें तो पतली पतली सी आएगी.
अच्छा चलो बताओ कैसी लगी है, मतलब सेम है या नहीं है या कुछ डिफरेंस है। और ये है फाइनल लुक, अब इसको मुझे रात भर रखना है तभी सुबह के लिए कलर आएगा। और ये मेरी कज़न सिस्टर का आयन है, उसने भी लगाई थी, तो देखो कितनी प्यारी लगाती है ये मेहंदी। तो ये धोने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ऑन कर दे, जो कि आपको पता ही है क्या करना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इस महीने में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बता दिया था। बाय।